चूंकि मेरे परिवार के फूलपुर लोकसभा के उत्तरी विधानसभा में 5 मतदाता हैं, मैं, मेरी पत्नी, मेरे दोनों पुत्र और मेरी पुत्र बहू, और सभी 5 लोग आकर के मतदान किए हैं। और जिन लोगों ने अभी मतदान नहीं किया उनसे सबसे अपील करते हैं कि लोकतंत्र के महापर्वों में अपने मताधिकार का प्रयोग करें और मजबूत भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए घर से निकलें। गर्मी ज़रूर है लेकिन इस गर्मी से घबराना नहीं है और अपने मताधिकार का सब लोग प्रयोग करें। 14 सीटों पे आज मतदान हो रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, हम 14 सीटें, सभी सीटें जीत रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव ने कहा है कि 400 के बाद भाजपा है, 400 पहले गठबंधन है, क्या कहना चाहते हैं? 4 हार का चौका लगा चुके हैं, 2014, 2017, 2019, 2022, अब 24 में भी हार जाएंगे तो वो 4 जून को क्या बयान देते हैं उसका इंतजार करिए, क्योंकि वह दो लड़कों की जोड़ी केशव प्रसाद ने भी और उत्तर प्रदेश ने भी 2017 में देखी थी, जब चारों खाने, ये दोनों जोड़ी जो आज घूम रही है, चित हो गई थी। इस बार तो खाता भी नहीं खुलना है जोड़ी का। नहीं, छठे चरण में हम लोग एक तरफा सफलता की ओर बढ़ रहे हैं और आज गर्मी के बावजूद जो मतदाताओं का उत्साह है, विशेष तौर से शहर उत्तरी में, फूलपुर लोकसभा में, अन्य बार जितने भी मतदान हुए हैं, चाहे 2019 का हो चाहे 2022 का हो, आज उत्साह ज्यादा दिखाई दे रहा, मैं बहुत संतुष्ट। दोनों सीटों पे मतदान प्रतिशत बहुत कम हो रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, मतदान अच्छा हो रहा है और अच्छा होगा, क्योंकि हमारे शहर के मतदाता है, सब जानते हैं, सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक वोट डालना है, तो लोग पूरी तरह से तैयार हैं और बहुत व्यापक संपर्क किया गया है। चुनाव आयोग ने भी मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया है और आप सब मीडिया के मित्रों ने भी बहुत अच्छी भूमिका अदा की है और मुझे पूरा विश्वास है कि आज मतदान का प्रतिशत 5वें चरण से अच्छा रहेगा, 6ठवें चरण में, और 6ठवें चरण से भी अच्छा रहेगा, 7वें चरण। राजा भैया की नाराजगी, कुछ नुकसान कहीं? कोई नुकसान नहीं है, भाजपा का कमल खिल रहा है।